मूंगफली और नारियल की बिल्कुल नई सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। एक टुकड़ा सूखा हुआ नारियल, साथ में आधा कप कच्ची मूंगफली। तो सूखा नारियल अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप कच्चे नारियल या ताजे नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। आधा कप मूंगफली को हमने रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, साथ में नारियल को भी भिगोकर छोड़ दिया था। और मूंगफली को जब मैं रगड़ रही हूँ तो देखिए इसका छिलका जो है आसानी से उतर जा रहा है और नारियल भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है क्योंकि इसको हमने रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था साथ में ही, और दो छोटी इलायची यानी हरी इलायची को भी साथ में भिगोकर छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, नारियल को निकाल करके किनारे रख देंगे और मूंगफली को इस तरह से रगड़ते हुए यानी कि मसलते हुए साफ़ कर लेंगे, इसके छिलकों को उतार लेंगे। तो इस तरह से मूंगफली के छिलकों को उतार लेना है और छिलकों को हटा देना है यानी कि इसकी भूसी को किनारे कर देना है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें नारियल को काट करके डाल देंगे, साथ में छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची को भी डालेंगे और मूंगफली को भी डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे और पहले इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच दूध डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट बनाने के बाद आप इसे हाथ में लें और एक बार अच्छी तरह से इसे मसल करके इस तरह से चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टुकड़े हैं या बिल्कुल दरदरा सा है तो आप इसे दोबारा पीस लें। इसे किनारे रख देते हैं। गैस चलाकर कढ़ाई गर्म करेंगे। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसे चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ मूंगफली का पेस्ट डाल देते हैं। आंच धीमी रखेंगे, धीमी आंच पर इसे हम भूनेंगे। ये काफ़ी सूखा लग रहा है, मिक्सी जार को धुलेंगे और इसमें डाल देंगे। बस हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाला था, उतना ही पानी डालना है और डाल करके इसे धीमी आंच पर भूनना है। 1/2 चम्मच देसी घी और डालेंगे और इसे इस तरह से लगातार फेंटते हुए हम पकाएंगे या भूनेंगे। धीमी आंच पर भूनना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। अब इसमें हम 1/2 कप चीनी डाल देंगे। जितना हमने मूँगफली लिया था उतना ही चीनी डालेंगे और इस तरीके से इसे लगातार फेंटते हुए हम भूनेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो 2 चम्मच हमने डाला, इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप मिल्क पाउडर के जगह पर गाढ़ा मलाई ले सकते हैं यानी दूध पर की जो मोटी मलाई है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मिल्क पाउडर और डाल दिया और धीमी आंच पर इसे हमें लगातार गोल गोल फेंटते हुए लगातार चलाते रहना है। 1/2 चम्मच देसी घी और डाल देंगे। तो बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डालते जाएंगे और इसे धीमी आंच पर भूनते जाएंगे। अब एक प्लेट लेंगे, थोड़ा सा बैटर जो है प्लेट में डाल देंगे और इसे सूखने के लिए यानी कि जमने के लिए किनारे रख देंगे और मूंगफली को हम भूनते रहेंगे। तो ये देखिए ये जम नहीं रहा है, अभी काफ़ी गीला लग रहा है, तो थोड़ी देर इसे हम और भून लेते हैं। लगातार धीमी आंच पर फेंटते हुए इसे हमें भूनना है बिल्कुल सूखा होने तक। थोड़ा सा बैटर और प्लेट में डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो बीच बीच में हम 2 से 3 बार बैटर को प्लेट में डालते जाएंगे और थोड़ी देर के बाद उसे चेक करते जाएंगे कि वो कितना जम रहा है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद इस तरह से ये छोटा सा लड्डू बन करके तैयार हो जा रहा है और ये जमने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा इसे मैं और भून लेती हूँ। ये देखिए बैटर जो है कढ़ाई छोड़ने लगा, गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ हमने लिया है एक बेकिंग पेपर, इसके ऊपर ये भुना हुआ मूंगफली का पेस्ट डाल देंगे और एक छोर पकड़ेंगे और इसे इस तरह से मसलेंगे। काफ़ी गर्म होता है तो हाथ बचा करके इसे हमें मसलना है, लेकिन मसलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो इसकी जगह पर एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसे मैश करते समय एल्युमिनियम फॉइल जो है फट जाता है। तो बहुत ही हिसाब से यानी कि बहुत ही सतर्कता के साथ इसे आप इस तरीके से अच्छी तरह से मैश करें चारों तरफ से। तो इसे मैं चौकोर शेप देते हुए अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, लगभग 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि हल्का सा गर्म नहीं हो जाता, अभी काफ़ी गर्म है। बेलन में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी मोटा भी हम नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो मिठाई के डब्बे में भी इसे जमा सकते हैं।
चारों तरफ से हमें इसे बेल लेना है और पेपर से इसे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। बेल करके बराबर कर लेंगे और पेपर को चारों तरफ से इस तरीके से एक मिठाई के डब्बे की तरह इसे हम पैक कर देंगे। जैसे हम मिठाई का डब्बा लेते हैं ना, पैक कर देते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। चारों तरफ से हमने इसे बराबर कर लिया, पेपर को चिपका दिया और ये थोड़ा सा भी गर्म है, इसके ऊपर थोड़ा सा कटे हुए मेवे डाल देंगे। तो आप काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। बेलन से इस तरीके से चिपका देंगे, क्योंकि अभी हल्का सा गर्म है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। आप चाहे तो इसकी जगह पर सिल्वर वर्क यानी कि चांदी का जो आता है ना पेपर वर्क जिसके बोलते, उसे भी चिपका सकते हैं। अब इसे मैं खोल देती हूँ और इसे काट लेती हूँ। तो ये हल्का सा भी गर्म है तभी इसे आप काटें। पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, यानी कि जैसा आपको पीसेज चाहिए वैसा रख सकते हैं। चौकोर रखें या फिर इसे आप तिकोना रखें, आप अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं। ये हल्का सा गर्म है, लेकिन मैं इसे निकाल करके दिखा देती हूँ कि कितना क्लीन पीस हमने बाहर किया है, यानी कि इसमें से निकलता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। कम समय में बहुत ही आसान तरीके से मूंगफली की ये बर्फी बन करके तैयार होती है। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी और काफ़ी हेल्दी होती है। बिल्कुल आपको इसका स्वाद ना काजू कतली की तरह ही लगेगा। आप इसे एक बार बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, फिर भी ये ख़राब नहीं होता है। बस छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है तो मैं आपको इसे दिखा रही हूँ कि इस तरह से देखने में कैसा लगता है, और दो दिन के बाद आप पाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।